नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागरिकता विवाद पर प्रियंका गांधी का जवाब, राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी की नागरिकता पर छिड़े विवाद के बीच प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के बचाव में उतर आई है। राहुल गांधी को गृह मंत्रालय की ओर से मिले नोटिस से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है। प्रियंका ने कहा, राहुल भारत के लोगों के सामने पैदा हुए, यहीं परवरिश हुई है, क्या बकवास है। अमेठी में चुनावी प्रचार के दौरान प्रियंका ने यहां से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि स्मृति अमेठी की जनता का आदर नहीं अपमान कर रही। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने राहुल गांधी की अमेठी के लिए लाई गई परियोजनाओं को बंद किया। मधुबनी लोकसभा सीट, लोगों ने कहा काम तो हुआ है लेकिन नेता लोग हिंदू मुस्लिम करके सब खराब कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके विकास कार्य दब जाते हैं और जब काम किया है तो डरना क्या। यह टिप्पणी भवानी नगर के 80 वर्षीय बुजुर्ग सलामत हुसैन और अहमदा गाँव के युवा अमित कुमार राम की ही नहीं बल्कि केवटी विस्पी से लेकर मधुबनी के एक बड़े वर्ग की है। इनका कहना है कि सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और ऐसे में नेताओं को हिंदू मुस्लिम संबंधी बयानों से बचना चाहिए। मधुबनी का भवानीपुर क्षेत्र कवि कोकिल विद्यापति की कर्मस्थली और उगना महादेव मंदिर के लिए विख्यात है। भवानीपुर के 80 वर्षीय बुजुर्ग सलामत हुसैन और मोहम्मद चांद कहते हैं, काम तो हुआ है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, उगना रेलवे हाल्ट बन गया है, सड़क भी अच्छी है, अब तो पीने के पानी का टैंक भी बन गया है, लेकिन नेता लोग हिंदू मुस्लिम करके सब खराब कर रहे हैं। जब काम किया है तो किस बात का डर, काम के आधार पर वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करिए। लोकसभा चुनाव 2019, इस बार टाटा का चुनावी खर्च 20 गुना ज्यादा, सबसे ज्यादा फंड बीजेपी को दिया। टाटा ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट के जरिए इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले 20% ज्यादा योगदान दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की जानकारी के अनुसार टाटा ग्रुप ने 17वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों के लिए 500-600 रुपए खर्च किए। टाटा ग्रुप के इलेक्शन फंड का लेखा जोखा रखने वाले प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोल ट्रस्ट ने 2014-2015 वित्तीय वर्ष में राजनीतिक पार्टियों के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। टाटा ग्रुप द्वारा सबसे ज्यादा फंड सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा गया है। कहा जा रहा है कि संसद में पार्टियों के सदस्यों की संख्या के हिसाब से फंड दिया गया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को मिले फंड के आंकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को इस बार टाटा ग्रुप की तरफ से 300 से 350 करोड़ रुपए के बीच फंडित हुई है। कांग्रेस के हिस्से में करीब 50 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। बाकी राशि को तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।